जिन्हें आपको दिया है। हम सब इस बात को जानते हैं, चार चरणों की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और बहन और भाइयों, तीन चरण बाकी हैं। इनमें भी पांचवां चरण जिसमें लखनऊ वासियों को ही मतदान करना है। लखनऊ वासी इस बात को जानते हैं, पूरे देश के अंदर आम जनमानस पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है और इसीलिए उसके स्वर में गूंज रहा है, ये नारे गूंज रहे हैं, संकल्प गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार जब विपक्ष स्वाभाविक रूप से इन सभी नारों से सशंकित हो गया है, आतंकित है कि इतने षड्यंत्र के बाद भी जनता के द्वारा ये नारे लगाए जा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार का और अब की बार 400 पार का, तो जनता जनार्दन ही उसका जवाब भी दे देती है। जनता जनार्दन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये संकल्प भारत की जनता जनार्दन का है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त मोदी जी ने करवाया है, राम लला को फिर से विराजमान कर दिया है। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी के लिए आज दुनिया के अंदर कहने के लिए है कि भारत अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भी कोई गुरेज नहीं करता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी के इस व्यवस्थित कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, या फिर लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य को उसकी पौराणिक पहचान देने की बात हो, ये सभी कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बहनों भाइयों, कोई संदेह नहीं, हर व्यक्ति इस बात को कहता है, हमारा विरोधी भी इस बात को मानता है कि 10 वर्ष में भारत की कायाकल्प हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो, या फिर जनता की आवश्यकता के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जो भी आज की आवश्यकता है, उस प्रकार के नए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, जब भी यह गठबंधन बना है, एक खतरे की